स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेस फ्रॉम चैप्टर 7 एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम क्लास 3 ग्रामर. ओके, सो एडजेक्टिव बेटा होता क्या है? एडजेक्टिव का मींस होता है विशेषण, यानी ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना. एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है, इट इज़ यूज विथ अ नाउन आर प्रोनाउन टू डिस्क्राइब इट. नाउन प्रोनाउन को ना के साथ डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन को करता है. इट और पॉइंट आउट द पर्सन एनिमल प्लेस आर थिंग टू टेल द नंबर और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन. और जो है ये क्या है, नाउन की नंबर क्वांटिटी प्लेस थिंग एनिमल सबको पॉइंट आउट करता है. ओके, यानी डिस्क्राइब करता है. दोनों का सेंस एक ही हो गया. जैसे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एन एडजेक्टिव ऑफन कम्स बिफोर द नाउन आर प्रोनाउन इट डिस्क्राइब्स. नाउन और प्रोनाउन के पहले भी आता है और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे डॉग क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, स्मार्ट, मतलब अ डॉग अ स्मार्ट डॉग. तो स्मार्ट क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया ना, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. देखिए यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होती है, नाउन हो गया ना. नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड मीन्स पुराना. तो यानी ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, फिर देखिए एन एडजेक्टिव कैन आल्सो कम आफ्टर द नाउन इन द सेंटेंस. और कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद भी आ सकता है सेंटेंस में ना. जैसे सुमित हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट. सुमित की हैंड राइटिंग कैसी है, सुमित क्या है, सुमित तो आपका नाउन हो गया ना, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, नीट है. तो ये क्या बता रहा है, उसको एडजेक्टिव बता रहा है, नीट में, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को. आई एम थिन, आई कौन है, आई आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो गया, लेकिन उसको बता क्या रहा है कि थिन है ना, तो डिस्क्राइब कर रहा है प्रोनाउन को, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. सम प्रोनाउन्स एक्ट एज एडजेक्टिव, दे आर एक्सप्रेस द पोसेशन और ऑनरशिप. दीज आर माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर ना, ये भी एडजेक्टिव के ही रूप हो. प्रोनाउन भी कभी कभी जो है एडजेक्टिव के रूप में ही कार्य करता है, उसी के जैसा. ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे है, हर आईज आर ब्लैक. तो हर यहाँ पे क्या हो जाएगा, है तो प्रोनाउन लेकिन एक्ट कर क्या कर रहा है, एक्ट एज अ एडजेक्टिव. ठीक है, माई क्या है, प्रोनाउन है लेकिन एक्ट एज अ एडजेक्टिव कर रहा है. माई बैग इज़ हैवी, मतलब मेरा बैग जो है वो पोशेस अधिकार भी जमा रहा है ना, अधिकार को शो कर रहा है, एक्सप्रेस क्या कर रहा है, अधिकार को, ऑनरशिप, खुद के चीज़ें, मतलब मेरी चीज़ है, लेकिन एक्ट एज अ एडजेक्टिव कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है प्रोनाउन को. ठीक है ना, दे वर्ड यूज टू डिस्क्राइब आर एड डिफरेंट क्वालिटीज़ टू अ नाउन आर अ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका एडजेक्टिव हो जाता है. ठीक है, समझ में आया. ओके, वैसे भी बेटा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो बनाई है ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार उसको ज़रूर से देख लीजिएगा. ओके, अब देखिए यहाँ पे है, सर्कल द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब एडजेक्टिव कई तरीके के हैं, है ना, उसमें जैसे कि आपने देखा कि प्रोनाउन भी जो है कभी कभी एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है. नाउन की क्वालिटीज़ को भी डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ देखिए पहला क्या हो जाएगा, देयर इज़ एन इम्पटी. इम्पटी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव. इट इज़ अ कोल्ड विंटर, कोल्ड हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव. यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली इज़ क्लीन एंड ग्रीन, है ना, तो दिल्ली जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव में आ जाता है. ठीक है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा. द फ्रूट्स आर रोटेन, रोटेन हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. ऑल द प्लेयर्स आर वेरी टॉल, ऑल भी हो जाएगा और साथ में आपका जो है ये टॉल भी हो जाएगा, है ना, ये क्या है, क्वांटिटी को भी बता रहा है ना आपका, तो और ये क्वालिटी भी बता रहा है, तो ऑल और टॉल दोनों हो जाएगा. इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेनबो, ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव. तो सर्कल करना है ऐसे. दिस इज़ एन इंडियन एंड टेम्पल, टेम्पल तो है लेकिन कैसा है, इंडियन है. ठीक है, तो इंडियन पे हम क्या करेंगे बेटा, सर्कल कर देंगे. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा है, अ फियर्स डॉग बार्क्ड एट मी. कैसा डॉग है, बहुत भयंकर है. क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के, तो एडजेक्टिव है. अ फ्यू पपीज आर देयर विथ अ बिच, है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी को शो कर रहा है. फ्यू कितने हैं, फ्यू हैं, तो फ्यू को कर देंगे. अब देखिए यहाँ पे अभी हमने पोसेसन अधिकार की बात की थी ना, जो पोसेसन को एक्सप्रेस करता है, तो ये क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा यहाँ पे आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा. ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, बी क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. जैसे
पहला है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस हिंट दिए हुए हैं, उसको आपको अपने अकॉर्डिंग फील करना है। पहला देखिए, द आइसक्रीम इज़ वेरी स्वीट हो जाएगा, एस डब्ल्यू डबल ई टी। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर हो जाएगा। द शॉपकीपर इज़ गिविंग अवे फ्री गिफ्ट्स टू हिज कस्टमर्स, एफ आर डबल ई फ्री। दे लिव इन अ लार्ज हाउस, एल ए आर जी ई लार्ज हाउस। माला इज़ वियरिंग अ शॉर्ट स्कर्ट, एस एच ओ आर टी शॉर्ट स्कर्ट। द क्लाइंबर्स आर क्लाइंबिंग अप अ हाई हिल, एच आई जी एच हाई हिल। दीज पपीज आर वेरी प्लेफुल, पी एल ए वाई एफ यू एल प्लेफुल। मेनी पुअर, पी डबल ओ आर पुअर पीपल हैव नो फूड। ठीक है, तो ये अच्छे से इसको फील कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू नो वट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर दे, राइट देम डाउन। मतलब देखिए, जो अंडरलाइन किए हुए हैं सब पे पिंक कलर के, तो उसको आपको क्या करना है, वो कौन सा एडजेक्टिव हो वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए अब जैसे इसमें है टू, टू तो क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करता है ना, नंबर बता रहा है। लेज़ी, लेज़ी क्या है, ये तो क्वालिटी होती है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुड है ये। ठीक है, सम, अब सम क्या है, ये भी तो नंबर को बता रहा है ना, फिर ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। विच वर्ड इज़ दिस, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये तो हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड्स है। ठीक है, दिस इज पेन इज़ माइन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव ना, संकेतवाचक, ये चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। द अमेरिकन फ्लैग हैज़ थ्री कलर्स, जैसे अभी हमने दिल्ली को अंडर किया था सर्कल, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, माई आईज, अब ये तो आपने पढ़ा है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक है, अ ह्यूज बैलेन बैलून, तो ह्यूज क्या है, ये क्वालिटी है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ठीक है, एन ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड क्या हो जाएगा, ये भी क्वालिटी को शो करता है ना। द सम इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये भी आपकी क्या है, क्वालिटी है। ओके, तो ये आप ऐसे राइट कर लीजिएगा और साफ साफ हैंड राइटिंग में राइट करिएगा बेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव्स। लेमन इज क्या है, सोर होता है, खट्टा, बट शुगर इज स्वीट, है ना, अपोजिट भी हो गया देखिए इसमें। द नाइफ इज़ नॉट साप, मतलब क्या है, बहुत धारदार नहीं है ना, तेज नहीं है। रामू इज एन हार्ड वर्कर, एच ए आर डी हार्ड वर्कर। अ ट्रू एनमी इज़ बेटर देन ए लायर फ्रेंड, एल आई ए आर लायर फ्रेंड। एन ऑनेस्ट मैन इज़ लाइक्ड बाई ऑल, सम ईमानदार व्यक्ति सबके द्वारा क्या होता है, प्रशंसनीय होता है ना। अब यहाँ देखिए बेटा क्या है, मैच द फॉल एडजेक्टिव विद द करेक्ट पिक्चर्स। अब देखिए हॉट, तो हॉट क्या चीज़ हो सकती है, हॉट तो बहुत क्या, फायर हो सकता है ना। ओल्ड क्या हो सकता है, ओल्ड ये मॉन्यूमेंट्स हो सकता है। टॉल ये बॉय हो सकता है, कोल्ड तो आइसक्रीम ही होती है। अगली पिग होता है ना। यूज़ क्या है, ये बैलून है ना। ओके, फिर इसके बाद देखिए, ये है आपका सेंटेंस मेकिंग, फ्रेम सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड एडजेक्टिव। अब जैसे ब्यूटीफुल है बेटा, तो आपको अपने तरीके से भी आप इसको एग्ज़ाम पैटर्न में आप अपने से लिख सकते हो, है ना। बस यहाँ पे फील करना है, तो आप इस जो मैं बता रही हूँ वो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप अपने से भी बना सकते हो। जैसे ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल कर दो। बिग, तो माई बैग इज़ बिग। ठीक है, कलरफुल, बर्ड्स हैव कलरफुल विंग्स, है ना। प्लेफुल, दीज पपीज़ आर वेरी प्लेफुल ना। ठीक है, पुअर, मेनी पुअर पीपल हैव नो फूड, है ना। सैड, माई मदर इज़ वे सैड कर सकते हो। लार्ज, दे लीव इन अ लार्ज हाउस। ओके, स्मॉल, दीज पीसेस आर टू स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। नॉटी, दे आर वेरी नॉटी ना, वो बहुत नटखट हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन आर ऑलवेज ऑनर्ड, या कर सकते हो। एन ऑनेस्ट मैन इज़ लाइक बाई ऑल, है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कोई अगर प्रॉब्लम होती है बेटा, तो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, गुड डे, बाय बाय।